फ्रेंड्स, आज हम आपको एनिमल किंगडम के जितने भी फाइलम हैं उन एनसीईआरटी में जितने भी फाइलम के दिए हुए हैं उन सारे फाइलम के एग्जांपल्स को याद रखने का ट्रिक बताने जा रहे हैं, तो आप लोग देखिएगा अच्छे से। पहले ये जो है पॉरीफेरा, ये जो है पॉरीफेरा किंग, पॉरीफेरा फाइलम का एग्जांपल्स है। तो इसका जो ट्रिक है वो साइकॉन यूएस में, साइकॉन से साइकॉन यू जुलोथ्रिक्स एस फॉर स्पॉन्जिला, यानी साइकॉन यूएस में है तो उसे याद रख सकते हैं हम साइकॉन यूलोथ्रिक्स स्पॉन्जिला। अगला जो है वो है कॉलिनट्रेटा का एग्जाम्पल, तो इसको याद रखने का जो क्लू है वह फिर आए पंडित जी मिलने, यानी फिर आए पंडित जी मिलने, फिर के पी से फाइसेलिया, एच फाइसेलिया, आए से एडामसिया, पंडित से पेंट्यूला, जी आई से गॉर्गोनिया, मिलने से मेंड्रीना। तो यहाँ फाइसेलिया है इसका पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, यानी पी से फाइसेलिया और पी से पोर्टुगीज मैन ऑफ वॉर, ए से यहाँ एडामसिया है और यहाँ ए से एनिमोन है, यहाँ पेन पेन है तो सी पेन है, पेंट्यूला के पेन से पेन, यहाँ गॉर्गोनिया तो यहाँ फैन, मेंड्रीना से रेनकोरल। अगला जो एग्जाम्पल है वो टीनोफोरा का है, तो टीनोफोरा के जो एग्जाम्पल्स हैं उसको याद रखने का जो क्लू है वो है पी सी, पी सी आप याद इसको रख सकते हैं, पी सी फॉर पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए में जो होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, डीएनए बना होता है पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन का, तो आप इस तरह याद रख सकते हैं पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन, तो पॉली न्यूक्लियोटाइड चेन के पी सी से, पी फॉर प्लूरोब्रैंकिया एंड सी फॉर टीनोफोरा, प्लूरोब्रैंकिया एंड टीनोफोरा। अगला जो है वो हमारा प्लेटी हेलमिंथस, प्लेटी हेलमिंथस का जो एग्जाम्पल है, और प्लेटी हेलमिंथस का एग्जाम्पल कुछ इस तरह से है, उसको क्लू, उसका जो क्लू है याद रखने का वो है टिनिया का फिश, टिनिया का फिश आप याद रखेंगे, टिनिया का फिश प्लेटी हेलमिंथस का, टिनिया का फिश, टिनिया टेपवर्म, टिनिया जो होता है टिनिया से टिनिया, यानी टिनिया एक प्रकार का टेपवर्म होता है, फेस्योला, फेस्योला जो होता है लीवर फ्लूक होता है, फ्लूक फेस्योला, फेस्योला से फ्लूक, टिनिया से टेपवर्म टी, और इसका एफ। अगला जो है वो हमारा स्केलमिंथस का है, स्केलमिंथस जो कि एक प्रकार का राउंड वॉर्म होता है, इसमें जितने भी है वो राउंड वॉर्म ही आते हैं, तो इसका जो एग्जांपल है वो याद रखने का क्लू इस तरह है, इसका जो क्लू है वो है आपका अवार्ड आया, यानी कि हम किसी से बोल रहे हैं आपका अवार्ड आया, स्केलमिंथस डबल ए से आप याद रखे रखना, या कि ये जो ए है स्केलमिंथस का है, स्केलमिंथस आपका अवार्ड आया, स्केलमिंथस हम कह रहे हैं कि आपका अवार्ड आया, तो यहाँ से देख लेते हैं आपका आ से स्केरीज, वार्ड से वुचरेरिया एंड आया से एनसाइक्लोस्टोमा। स्केरीज जो होता है वो एक प्रकार का राउंड वॉर्म होता है, वुचरेरिया जो होता है एक प्रकार का फाइलेरिया वॉर्म होता है, एनसाइक्लोस्टोमा जो होता है एक प्रकार का हुक वॉर्म होता है। अगला जो एग्जांपल वो हम अगला सॉरी अगला जो है किंगडम वो सॉरी अगला फाइलम एनिलिडा है, और इसकी एग्जांपल याद रखने के हम ट्रिक देख लेते हैं। एनिलिडा के दो एग्जांपल है नेरिस और फ्रेटिमा और हिरोडिनेरिया, नेरिस फ्रेटिमा और हिरोडिनेरिया, इसका जो क्लू है याद रखने का वो है पीएच नॉर्मल है, यानी पीएच नॉर्मल है, इससे आप याद रख सकते हैं पी फॉर फ्रेटिमा एच फॉर हिरोडिनेरिया, यानी पीएच और एन नॉर्मल से नेरेसिस, यानी कि पीएच से आप याद रख सकते हैं कि पीएच जो होता है वो मोनोसियस होता है और नेरिस जो होता है वो डायोसियस, यहाँ हम अलग भी लिखे हुए पीएच दोनों साथ होता है, जब भी लिखा जाता है तो पीएच को साथ लिखा जाता है, नॉर्मल अलग है तो पीएच से ये जो होता है मोनोसियस होता है और नॉर्मल ये डायोसियस होता है, नॉर्मल मीन्स नेरिस डायोसियस होता है और पी फेरेटिमा हिरोटिनेरिया। अगला जो है वो है ऑर्थोपोडा का, ऑर्थोपोडा का एग्जांपल है, और ऑर्थोपोडा जो होता है वो लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, इसके अंदर जो होते हैं इंसेक्ट इंक्लूड होते हैं, इसका एग्जांपल देख लेते, एग्जांपल कुछ इस तरह है, और इसका जो क्लू है वो है एप्पल बॉम्बे से लेकर वैन कार के थ्रू घर लाया गया, यानी एप्पल बॉम्बे से लेकर, एप्पल जो है एक वो बॉम्बे से लेकर
वैन कार के थ्रू वो घर लाया गया। और लाइफ लाइफ जो है लाइक किंग, तो इसके ये क्लू है याद रखने का, अर्थोपोडा किंगडम का क्लू है। और इस क्लू को हम देख लेते हैं कि किस तरीके से ये और इसके एग्जाम्पल के साथ सेट हुआ है। तो इसका जो क्लू है वो इधर है और एग्जाम्पल्स इधर हैं। तो देखते हैं सबसे पहले एप्पल बॉम्बे से लेकर, तो एप्पल फॉर एपिस, बॉम्बे फॉर बॉम्बिक्स, लेकर लेकर लैंसी फॉर वैन से, वैन से वैक्टर, वैक्टर अब आ गया, ये जो था इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट इंसेक्ट था और अब जो है वो वैक्टर है। वैन 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 से एन ऑफ वैन में क्या है कार, सी ए आर कार, यानी कि वैन के वी से वैक्टर और ए एन से एन ऑफ लीज, सी से क्यूलेक्स और ए आर से एडीज, याद रखेंगे वी से वैक्टर और ए एन से एन ऑफ लीज, ए एन है यहाँ आप देख सकते ए एन है, तो यहाँ भी ए एन है, तो ए एन से एन ऑफ लीज, सी से क्यूलेक्स और ए से एडीज। और उसके बाद देखते घर पे, वैन से वैन कार के थ्रू वो घर पे लाया गया, तो घर ग्रीगेरियस पेस्ट, जी से ग्रीगेरियस और पी से पेस्ट, ग्रीगेरियस पेस्ट जो होता है वो लोकस्टा होता है, लोकस्ट। और लाइफ लाइकिंग जो बताए थे उस ये क्लू है। और इस पे जो दिया गया वो लिविंग फॉसिल, लिविंग फॉसिल्स कौन होता है, लिम्यूलस होता है, जिसे किंग क्रैब, किंग क्रैब कहते भी कहते हैं, लिम्यूलस किंग क्रैब। और नेक्स्ट जो हमारा है वो है मोलस्का, मोलस्का फाइलम का एग्जांपल। मोलस्का जो होता है वो सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम होता है एनिमल किंगडम का, यानी कि फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है और सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम जो होता है वो मोलस्का होता है। अब चलिए देखते हैं इसके एग्जाम्पल, इसका एग्जाम्पल कुछ इस तरह है, मोलस्का का एग्जाम्पल कुछ इस तरह है और उसका जो क्लू है वो इस तरह है। तो क्लू देखते हैं, पहले पप्पू पैसा लो और अब दान करो, यानी पप्पू पैसा लो और अब दान करो। तो देखते हैं पप्पू से पिला, पैसा से पिचारा, इस सा से पैसा पैसा, सा से सीपिया, लो से लोलीगो और से ऑक्टोपस, अब से एप्लाइशिया, डैन से डेंटेलियम, करो से कीटोप्लूरा। तो यानी आप याद रख सकते हैं ये क्लू, पप्पू पैसा लो और अब दान करो, पप्पू पैसा लो और अब दान करो। अगला जो है वो हमारा एकाइनोडर्मेटा है, एकाइनोडर्मेटा और इसके सारे एग्जांपल्स देख लो, इसके एग्जांपल याद रखने के जो क्लू है, एकाइनोडर्मेटा के जो एग्जांपल याद रखने के क्लू है वो है स्टार, स्टार इस अमेजिंग कुकुम्बर को ओपन करा, स्टार इस अमेजिंग कुकुम्बर को ओपन करा, स्टार जो होता है वो कुकुम्बर को ओपन करता है। तो इसका देख लेते हैं, स्टार स्टेरियस ये से काइनस, अमेजिंग से एंटीडॉन और कुकुम्बर को ओपन करा, कुकुम्बर से कुकुमेरिया एंड ओपन से ऑफियूरा। इस तरह हम याद रख सकते हैं काइनस के सारे एग्जांपल को, इस तरह याद रख सकते हैं। अब अगला है हेमिकॉर्डेटा, हेमिकॉर्डेटा है, तो हेमिकॉर्डेटा जो था पहले वो कॉर्डेटा में ही इंक्लूड था, लेकिन बाद में इसे एक अलग किंगडम में, एक अलग फाइलम में सेपरेट करके रखा गया, यानी जो कि नॉन कॉर्डेटा, नॉन कॉर्डेटा में हेमिकॉर्डेटा को लाया गया। तो इसके एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, इसका जो एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल है वो बैलेनोग्लॉसस और सैक्रोग्लॉसस है। और इसके जो एग्जाम्पल याद रखने की क्लू है वो बिजी, बिजी आजकल लोग बिजी होते हैं, तो बिजी से आप याद रख सकते हैं, बिजी यानी हम बिजी, हम फॉर हेमिकोडेटा और बिजी से बैलेनोग्लॉसस और इस वॉइस सैक्रोग्लॉसस।